हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रेम राजकुमार और मैं KYB एंटरटेनमेंट में मैं वीडियोस बनाता हूँ और आज से मैं बैक स्टूडियो पर भी बनाऊंगा। और फिलहाल हम लोग आए हैं आज श्रीगुना के एक बहुत ही अच्छा प्लेस पे। यहाँ पे मतलब एक झरना बहता है ऊपर से। तो गाइस, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग अभी एक शूट पर आए थे श्रीगुना पे। तो शूट पर मतलब आने से हम लोग मतलब सोचा, मतलब भैया ने बोला कि एक ब्लॉग बनाते हैं बैक स्टूडियो पर, थोड़ा एक्सप्लोर वाला हो जाएगा। तो आज से गाइस आप लोग मुझे देखोगे मतलब एक्सप्लोर वाला वीडियोस पे। तो प्लीज़ आप लोग मतलब सपोर्ट दिखाएगा जैसे आप लोग मतलब दिखाते हो। हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 10K होने से भैया का फेस आप लोगों को रिवील करेंगे हम लोग। अभी मतलब नहीं करेंगे, थोड़ा पर्सनल कुछ वो है तो कुछ पर्सनल नहीं है। तो ये जो जगह है पहले बहुत अच्छा था, इधर में बहुत सारे लोग आते थे एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी जो फिलहाल इधर में बंद कर दिया गया है इसको। फिलहाल गाइस अभी मतलब आप लोग भी आ सकते हो, बट यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा सीन हुआ कि यहाँ पे दारू वारू पी के लोग ये वो फेंकते हैं, इसलिए ये फिलहाल अभी के लिए बंद है। फिर भी लोग उस साइड से घुसते हैं, उधर एक रास्ता है, फिर भी हम लोग मतलब बैरिकेड को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि एक मतलब इसका जो ओनर है उसने ये जगह बंद किया। तो इस पर इलीगली जाना हम लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस आप लोग देखिए इस जगह को आप ना, गाइस वीडियो पे हम लोग वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जब आप आओगे तभी हम लोग आपको डिस्क्राइब कर पाएंगे। क्या डिस्क्राइब लगा रखे ये जगह पहले बहुत अच्छी थी, अभी इधर दारू वगैरह पी के पूरा फाइट होके मतलब इतना अच्छा नेचुरल जगह जो है इसको पूरा खराब कर दिया। यहाँ का ना गाइस, और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना था, यहाँ का पानी बहुत पहले बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन था गाइस। फिलहाल अभी नाउ इन प्रेजेंट क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर से जो कचरा वचरा मतलब जो खा के पी के जो फेंकते हैं ना, उसी के कारण जो इसका वाटर जो है वो अभी गंदा हो चुका है। आप लोग गाइस नज़ारा चेक करें गाइस, देखिए गाइस यहाँ पिकनिक स्पॉट के लिए ना गाइस ये सबसे पूरा महत्वपूर्ण जगह है ये गाइस। आप अगर पिकनिक खाना चाहते हो इस टाइप से आके खा सकते हो गाइस, देखो वाट एन प्लेस। और गाइस चैनल पे फिलहाल एक और नया वीडियो आएगा, हम लोग जो यहाँ पे शूट के लिए आए थे अन्नप्राशन का राइट सेरेमनी के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। तो शूट अभी कंप्लीट हुआ है हम लोग के क्लाइंट का, अभी शूट खत्म होने के बाद हम लोग एक ब्लॉग कर रहे हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप कभी भी इस जगह पे विजिट करो तो यहाँ पे ज़रूर आना, इस जगह बहुत ही मतलब नेचुरल बोलो तो और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल जगह है यहाँ पे। देखो और एक बात इम्पोर्टेंट बात, आप लोग आइए चिल कीजिए दोस्तों के साथ आइए, जो आप लोग खाना खाते हो उसी वो वाला पैकेट फिर से आपको लेके जाना है, किसी दूर जगह पे फेंकना है। ऐसे ब्यूटी मतलब अच्छा अच्छा स्पॉट को आप लोग गंदा मत कीजिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात को आप लोग समझिएगा। इधर आके दारू वगैरह पी के और लड़की लोगों को लेके इधर आके पूरा ये वाटरफॉल जो है श्रीगुना का इसको पूरा ये मतलब बंद कर दिया। पहले गाइस ये बहुत ही नीट एंड क्लीन था, मेरे को देख के अभी रुका नहीं जा रहा गाइस, मेरा माइंड थोड़ा गाइस क्रिएटिविटी है, अभी मैं थोड़ा फोटोशूट करता हूँ गाइस यहाँ पे। तो ये गया है फोटोशूट करने, मैं आप लोगों को थोड़ा ये दिखाता हूँ इधर का जो एरिया है मतलब कैसा है, ये देख सकते हो गाइस इधर पूरा पेड़ ही पेड़ है, इधर में पहाड़ है। जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, क्या करें भाई, देखो कितने अच्छे जगह है। अगर हम लोग इधर रहते हैं तो हम लोग रोज़ इधर आके मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह कंटेंट बनाते हैं। और ये देखो इसको देखो, ये फ़ोटोशूट कर रहा है पानी का मछली, उसको फ़ोटोशूट कर रहा है ये। देखो गाइस कितनी अच्छी जगह है, देखो इस जगह को क्या खंजर बना दिया है दारू वगैरह पी के। देखिए ना इस टाइप से, देखिए ये देखो तो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये देखो आवाज़ सुन लो आप लोग, हम लोग अंदर नहीं जा सकते लेकिन बाहर से ही दिखा रहे आप लोग। जाना पड़ता है तो सबका कम से कम बंद होगा, अच्छा दो महीने जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, ये देखो ये डॉगी की इधर आ गया। हाँ
ये देसी डॉग है। तो गाइस रसोद गया इतर गुरान करे इस जगह ना संबंध बांग्ला ला। तो गाइस हम लोग जो अभी मतलब बच्चों लोगों से पूछेंगे मतलब इस जगह का बारे में, पहले कैसा था नाउ इन प्रेजेंट अभी कैसा हो गया। हां पूछ लो पूछ लो दो बच्चे आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा इस जगह के बारे में बोल सकते हैं। बेंगलुरु लेटा रहा मतलब जगह पहले कैसा था आप कैसा है मतलब पहले में इस जगह में क्या क्या होता था कैसा था मतलब अच्छा अच्छा है मतलब कैसा था अच्छा था बंगला बेंगलुरु में बोला बांग्लादेश बांग्ला मना आगे इनु का बलास बोल दिया ना ओला यस ओला यस बोल। अ तुम को कौन स्कूल है पढ़ो ऑफिस स्कूल। अच्छा जे एटा माने कौन समय बंद कर आइसे माने केने बंद कर सेटा तो मान तो या मोद खाया बोलते तो फटाई दे। हां माने बहुत बड़ा जगह सोने एटा माने मतुत खाया ने कोई दे बोतल तल बांगी दे जोगरा करे इनु लागे सब तुम्हार बोइन ना क्लास में তারা শরম করে নানি আনা চাহতে হো তো খুদ কা গাড়ি সে আনা পড়েগা ইয়া পে অটো অটো কুছ নেই মতলব ইয়া পে চলতা হ্যায় কুছ ভি নেই মিলতা ইধর মে खुद का गाड़ी लेके आओ पर्सनल गाड़ी लेके आओ खुद यहाँ पे खाओ पियो मौज करो एंजॉय करो लेकिन जो कचरा है वो खुद लेके जाओ ठीक है ना गाइस। तो ठीक है आप लोग भी बोर हो रहे होंगे मैं क्या दिखा रहा हूँ क्या नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ बांग्ला में पढ़ता है हम लोग अभी थोड़ा फोटोशूट करेंगे यहाँ पे। फोटोशूट नहीं गाइस फोटोशूट तो करके ही आए अभी फिलहाल हम लोग इधर का जो एरिया है मतलब कितना अच्छी जगह है वो हम लोग को आप लोगों को दिखाएंगे पूरा मतलब रास्ता को इधर रास्ता बोल रहा हूँ मैं थोड़ा मेरा हिंदी में उधर उधर चल हो जाता है मेरा। चलो कोई बात नहीं ये देखो गाइस इधर से मतलब बंद किया है लेकिन इधर से हम अंदर जा सकते हैं यहाँ से दूसरे साइड से इधर से जा सकते हैं अंदर में दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए ये मतलब सही चीज सही आदमी है वो देखो ये आप लोगों को दिखाएगा कि कैसे अंदर जाना पड़ता है। हाँ दे देखो सब सब दिखाएगा गाइस तुम लोगों को ये देखो कितनी नेचुरल जगह है इधर को जो पानी गिर रहा है ना वो हम लोग आराम से पी भी सकते हैं ये पी के दिखाएगा पानी कैसे पी के मतलब सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आके। तो इधर में जो गंदगी मचा रखा है ना दारू वगैरह पी के हाँ देखो ये वहाँ पे जा चुका है रुका नहीं गया अंदर आने। हाँ अंदर आने के लिए रुका नहीं गया लेकिन फिर से मतलब अंदर तक चला ही गया। ये कुछ दिखाएगा हाँ मैं आने वाला नहीं तो ये देखो उधर चढ़ गया इधर फिसलन बहुत ज़्यादा है लेकिन नाव दे यार उधर पिताई तो लाए नाव दे यार तो लाए। तो गाइस बहुत ही अच्छी जगह है आप अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आके देख सकते हो। फिलहाल तो पहले जैसे इधर मस्ती नहीं कर सकती इधर पूरा बंद कर दिया नशा वगैरह करके गांजा सिगरेट मौत सब दारू वगैरह सब पी के इधर इधर में कांच मतलब कांच तोड़ के पूरा ख़त्म कर दिया इधर। अगर आना चाहते हो तो आ जाना तो अपने पर्सनल गाड़ी से आना इधर कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलता खुद का अपने गाड़ी से ही आ जाना। और ये देखो एक्सपेरिमेंट करने गया था लड़कियों का पेन पहन गया है पर्सनल बात बोलना था। हाँ पर्सनल बात का एक ऑफर है हम लोग पूरा डिस्काउंट पे पूजा पे फ्री फोटोशूट करेंगे जो कोई भी मॉडल आना चाहते हो हम लोग से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और पूजा का इस महीने में गाइस आप लोग मतलब जो भी हम लोग को कांटेक्ट देंगे उसमें से गाइस हम लोग 50% डिस्काउंट देंगे गाइस। कांटेक्ट कांटेक्ट लगा रखा है इधर हम लोग श्रीगुना को दिखाने के लिए आए और ये कांटेक्ट कांटेक्ट बोल रहा है। ये देखो गाइस पानी पी रहा हूं ये देखो मुंह में घुसाया नहीं बाहर से घुसा रहा है पानी साला खुद भी जानता है कि ये कितना मतलब पोल्यूशन पानी
पिएगा तो बीमार पड़ जाओगे, मत पीना इधर आके, क्योंकि इधर का झरना है अच्छा है। लेकिन यो देखो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है वो उधर से, सॉरी सॉरी, देखो गाइस ये देखो दारू किधर छुपा के रखा है। क्या बोला था गाइस मैंने? हाँ मैंने क्या बोला था, इसने कहा था कि इधर आके ये सब करने के लिए आओ, लेकिन सब घर पे लेके जाओ। ये देखो खुद ही बोतल फोड़ दिया इधर में, फेंकना ही पड़ेगा तभी, क्या करें हम लोग। चलो अभी घर चलते हैं। ना ना अरे मैं क्या करता हूँ करना गाइस, अभी हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं दिखा सकते, अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे ऐसे वाले जंगल से आप लोग अगर फंसने से कैसे निकलोगे। हाँ ये जैसे कि ये फंसा है अभी। हाँ अभी कैसे मतलब कैसे कूद के निकलेगा वो दिखाएगा। देखो गाइस, हाँ देखो कैसे कूद के निकलता है। हाँ दूसरा स्टेप यहाँ, तीसरे में हिंचा। हाँ ये देखो सूखना सूखना आ गया गाइस में। तो अभी हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे सीनारी दिखाने वाले हैं जहाँ पे आके आप लोग एकदम फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। इधर का एकदम क्वालिटी मतलब हरा ही हरा है, इधर ग्रीन ही ग्रीन। ये देखो कितना बड़ा माउंटेन है इधर में। यहाँ पे पहले ऊपर चढ़ते थे लेकिन अभी नहीं जा सकते इधर में, अभी बंद कर दिया ना झरना। तो अभी ये गाड़ी चलाएगा, एक्सपेरिमेंट किंग का भी गाड़ी चलाएगा, एक्सपेरिमेंट करके जाएगा। अभी मैं उधर जाके मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा। हाँ उधर जाके शॉर्ट्स बनाएगा। फिलहाल अभी ये गाड़ी स्टार्ट करेगा और हम लोग अभी इधर से निकल रहे हैं, क्योंकि ये जगह इतना सन्नाटा है ना भाई, इधर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आप लोग मज़ा लेना, अभी अभी जो मज़ा देंगे वो ले लेना आप लोग। अभी मैं गाड़ी में बैठ के पूरा रास्ता का जो इधर का नेचुरल ब्यूटी है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, बिना मेकअप के बिना फिल्टर के। चलो मैं गाड़ी में बैठ गया, अभी चलते हैं।
गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गया था और हम लोगों का जो कैमरा है उसको मतलब बैग के अंदर रखना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। तो फिलहाल गाइस अभी और करने का कुछ है नहीं और मेरा भी फर्स्ट टाइम है। फिर भी गाइस मेरे को पता है कि यह ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बना, तो गाइस आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देखिए और ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिए। गाइस इसने प्रणाम किया, इसका मतलब आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्योंकि ये कहाँ पे जा रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इधर में एकदम भगवान शिव जी का एक पवित्र स्थान है यहाँ पे। ये देखो गाइस भगवान शिव जी, देखो कितनी मतलब अच्छी जगह पे बैठा है भगवान शिव जी का मंदिर। चारों तरफ पूरा ऐसा लगता है कि यहाँ पे सचमुच में भगवान रहते हैं इधर में। सचमुच में क्या, सचमुच में भगवान रहते हैं इधर, आसपास पे कोई भी नहीं है इधर। आप लोग अगर सच्चे दिल से ये वीडियो देख रहे हो तो भगवान के खातिर आपके माँ बाबा का आयु पूरा लंबा हो जाएगा। भगवान के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आपको शिव जी का कसम। तो गाइस सुन लिया आप लोगों ने, अब तो क्या ही बोलूँ मैं, जो मन में वो करो। ये देखो गाइस ये पेड़ देखो, या इस पेड़ के नीचे भगवान जी रहते हैं, शिव जी, हमारे प्यारे शिव जी। गाइस प्रणाम करो वहाँ से, जो कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, या वहाँ भगवान को प्रणाम करो। ये एक्सपेरिमेंट किंग बोल रहा है कि इधर सांप वगैरह होगा, लेकिन खुद नीचे उतर के आए। होगा घास में होगा। हाँ ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है। यहाँ पे स्वयं शिव जी वास करते हैं जगह पे। हाँ स्वयं भगवान शिव जी रहते हैं इधर में। फाइनली वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। आई होप आप लोग चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कैसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।